वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी, आप सभी लोगों का रणबीर कपूर एंड संजू बाबा की फिल्म शमशेरा के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आराम से बैठो, इंजॉय करो एंड कुछ सीख के जाओ। कोविड कोटा, ये मैंने नया नाम रखा है। कोविड कोटा वो फिल्म्स होती है जो कोविड के पहले यानी कि फरवरी 2020 से पहले बनकर तैयार थी, पोस्ट प्रोडक्शंस में थी, बस थोड़ा बहुत पैचवर्क बचा हुआ था एंड बस रिलीज के कगार पर थी, उन फिल्मों का नाम मैंने कोविड कोटा रखा है। अब गाइस, YRF का जो कोविड कोटा है वो फॉर्चुनेटली कहूंगा अब समाप्त हो चुका है। चाहे वो बंटी बबली द्वितीय हो, चाहे वो जयेश भाई जोरदार हो, चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज हो एंड चाहे वो शमशेरा हो, देख गए ये चारों फिल्में, स्पेशली बंटी बबली द्वितीय को छोड़ दीजिए, वो कोविड में से पहले भी आती तो उनका हाल वही होता, कोविड के बाद वो आई उसका हाल वही हुआ। ये जो तीन फिल्में थी, जयेश भाई, सम्राट पृथ्वीराज एंड शमशेरा, ये तीनों फिल्में कोविड महामारी से पहले आती या फिर कोविड अगर नहीं होता एंड 2020 में आती तो गाइस ये डेफिनेटली तीनों फिल्म अच्छा बिजनेस करती। रणवीर वाज राइडिंग हाई ऑन द सक्सेस ऑफ हिज प्रीवियस फिल्म्स नंबर वन। अक्षय कुमार का गोल्डन रन चल रहा था, गोल्डन मींस एब्सोल्यूट गोल्डन। तीन पिक्चरें 200 करोड़ क्लब में दिया था उन्होंने 2019 में एंड रणबीर कपूर शमशेरा लेकर आते थे बिफोर कोविड, देन डेफिनेटली आफ्टर संजू ये फिल्में चलनी ही चलनी थी, लेकिन कोविड आया एंड ये सारी की सारी फिल्में जो है वो कोविड कोटा में चली गई। किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा 2020 में कि ये तीन फिल्में जो YRF 50 की नींव थी, यू नो पिलर्स ऑफ YRF 50, वो ऐसा ढेर हो जाएगी नंबर वन। नंबर टू, अब यशराज टेंशन मुक्त है क्योंकि जितनी भी फिल्में हैं, यस दो फिल्में और बची हैं उनके पास, एक विक्की कौशल की फिल्म है एंड दूसरी आमिर खान की बेटे जुनैद खान की फिल्म है जो उनके पास है। पता नहीं उन फिल्मों का वो क्या करने वाले हैं, आई होप दे टेक अ गुड डिसीजन विद दैट। अब जो फिल्में हैं, नवंबर 2020 में शूटिंग शुरू हुई पठान की, उसके बाद शूटिंग शुरू हुई टाइगर की, तो अब वो फिल्में जो है वो पोस्ट कोविड फिल्में हैं, वो कोविड की कोटा में नहीं आती है, तो वो फिल्मों से अब जो उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा है कि वही दो फिल्में हैं जो अब YRF को बैक टू पोजीशन लेकर आएगी एंड जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके देगी, नंबर वन। नंबर टू, देर आर साइंस जो आपको नोटिस करना है एज ऑडियंस बिफोर अ फिल्म रिलीज। सडनली ऑल ऑफ अ सडन शमशेरा के टिकट के भाव ऐसे गिरा दिए, अब हम तो एज यू नो ऑडियंसेस काफी खुश होंगे कि यू नो कम कर दिए, तारीफें भी हुई, हमने खुद ने तारीफ की कि यशराज ने टिकट के भाव कम कर दिए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इंटरनली देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द फिल्म। वेडनेसडे से ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि इतना खाली सिनेमा क्यों इतना खाली सिनेमा, कुछ तो गड़बड़ है दया, टिकट बुक ही नहीं हो रही है, सिंगल स्क्रीन बुक ही नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा खाली। एंड सबसे बड़ा, जब 7:30-8 बजे के शोज मेकर नहीं रखेगा ना, तब समझ जाओ फिल्म में डेफिनेटली गड़बड़ है। ये भी हमने 2-3 दिन पहले जो है वो डिस्कस किया था एंड जयेश भाई मैं देखने के लिए गया था, थिएटर के बाहर से खड़े रहकर बोला था कुछ तो गड़बड़ है, एंड अंदर जाने के बाद हमारे जितने जो डाउट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर यकीन में बदल गए। देखा शमशेरा इज अ फिल्म जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आने वाली है ड्यू टू इस ट्रीटमेंट एंड इसका अंजाम जो है वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फर्स्ट डे हैज बीन अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट फॉर शमशेरा। जो स्क्रीन काउंट इसे मिला है, जिस तरह के शोज मिले हैं, शमशेरा हैज नॉट एट ऑल परफॉर्म जैसे उसे करना चाहिए था। एंड हाल कुछ इस तरह से है कि अब लोग जो है जो खाली सिनेमा घर दिख रहे थे वो वर्ड ऑफ माउथ के लिए इंतजार कर रहे थे एंड शमशेरा का वर्ड ऑफ माउथ बहुत नेगेटिव है। इसी कारण है कल भी गेटी 12:30, 6:30, 9:30 ऐसा लग रहा है कि गो ग्रीन अभियान जो है यानी कि पूरा का पूरा सिनेमा घर जो है वो यहाँ पर खाली दिख रहा है, जो कि इस फिल्म के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। स्क्रीन काउंट की बात करें तो 4,350 स्क्रीन में रिलीज हुई ये फिल्म, सामने कोई कंपटीशन नहीं है, इसका सीधा का सीधा फायदा जो है वो यहाँ पर विक्रांत रोना को होगा एंड उसके बाद दूसरा फायदा जो होगा वो 1 मिलियन रिटर्न्स को होगा। 1 मिलियन रिटर्न्स वालों ने अभी से पब्लिसिटी मटेरियल थिएटर्स में लगा दिए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए हैं उन लोगों ने, तो दे आर कॉन्फिडेंट ऑन द प्रोडक्ट। लेट्स सी अगले जुम्मा उनकी किस्मत भी लिखी जाएगी, क्या अच्छी होगी या बुरी होगी। तो गाइस बात करते हैं आज शमशेरा ने एग्जैक्टली क्या किया है टिकट काउंटर पर। बात करें गाइस मॉर्निंग के शोज की, जब एक नई फिल्म 9% पे ओपन हो
दीज आर वॉरिंग साइंस। हमने देखा सुबह कितने लोग आए थे सिनेमा में फिल्म देखने के लिए, हार्डली पीपल वर देयर। तो आईमैक्स था, एक नॉवेल्टी फैक्टर था, इसलिए मेरे शोज में 15-20 लोग थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल शोज थे वहां पर ऑक्यूपेंसी बहुत खराब थी। आफ्टरनून होते होते 11% हुआ, इवनिंग अभी शाम के शोज 13% है, एंड रात के जो शोज अब शुरू हुए हैं वो 13% से भी नीचे ओपन हुए हैं। यानी कि शमशेरा इज अ कोलोसल लॉस ऑन इट्स फर्स्ट डे एट द बॉक्स ऑफिस। ये 11-12 करोड़ कमाना कोई सेंस ही नहीं मेक करता है। 11 करोड़ मैंने कल ही बोला था, जो चीज मंडे को होने वाली है वो मैं आपको वेडनेसडे को बोल के जा रहा हूँ। बहुत लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगी बात है, लेकिन गाइज मैंने पहले ही बोला था मैं खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ किसी को, क्योंकि जो बातें हैं वो आप सभी लोगों को बतानी है, एंड वही होते हुए दिखाई दे रहा है। मुंबई में यहाँ पर 909 शोज थे एंड ऑक्यूपेंसी केवल 11% की थी। दिल्ली एनसीआर में 974 शोज थे, ऑक्यूपेंसी 10% की थी। पुणे में 339 शोज 9%, बेंगलुरु 305 शोज 8%, हैदराबाद थोड़ा अच्छा था 247 शोज में 16%, कोलकाता 327 शोज में फक्त 8% ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद 408 शोज। भाई ये बहुत बड़ी रिलीज है, ना सूर्यवंशी ना सम्राट ना बच्चन कोई पिक्चर इसके आगे नहीं है, ये सबको चबा दिया शो काउंट में। केवल 12% की ऑक्यूपेंसी है, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि पर सिनेमा 3-4 लोग भी नहीं है शमशेरा के लिए, इतना खराब हाल है। समझ में आ रहा आपको? बात करो चेन्नई की, 45 शोज में ऑक्यूपेंसी 33% है जो अच्छी है। सूरत में 209 शोज में 10% ऑक्यूपेंसी है। जयपुर में 157 शोज में 16%। चंडीगढ़ की बात करो 102 शोज में 8%। भोपाल की बात करो 102 शोज में 5% ऑक्यूपेंसी है। लखनऊ में 187 शोज में 13% ऑक्यूपेंसी है। दिस इज अ बैड नंबर एंड केवल हिंदी में एक बार आईमैक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम तेलुगु तमिल में जाएंगे। आईमैक्स की बात करूं, लुक एट दिस, मॉर्निंग शोज 18%, उसके बाद आफ्टरनून पूरा डिप हुआ, धप करके गिरा 15%, एंड इवनिंग शोज पिकअप या 23%, एंड रात के 21% में चल रहे हैं। मुंबई में 30 आईमैक्स शोज है 16%, दिल्ली एनसीआर में 16 आईमैक्स शोज में 22%, पुणे में 5 आईमैक्स शोज में 27% आईमैक्स यहाँ पे इसको सहारा देते हुए दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु 26 शोज में 18%, कोलकाता में 5 शोज में 16%, चेन्नई की बात करूं 5 शोज में 22%, लखनऊ की बात करूं 5 शोज में यहाँ पे 26%। ऐसा लग रहा है केवल हिंदी वर्जन जो है 11.5 से 12 करोड़ तक की कमाई यहाँ पर शमशेरा को जो है वो करके देगा। बात करते हैं अभी तेलुगु एंड तमिल वर्जन की, कि क्या आज ये एटलीस्ट 15 से 12 लाख रुपया कमा सकती है, नहीं कमा सकती। ऐसा हुआ देन कल ऑल लैंग्वेज का टोटल जो है वो कहीं ना कहीं 12.5 करोड़ तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी फिलहाल शाम के 8 बजे हुए हैं, अगर रात को 9 बजे का, 10 बजे का, 11, 11.5, ये के 12 बजे तक के शोज है अच्छे नहीं गए, तब कलेक्शन 12 के नीचे भी गिर सकता है। इट हैज टू मेंटेन द सेम ऑक्यूपेंसी, थोड़ा लो चलेगा, ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके नीचे गया बॉस तो कल 11 करोड़ भी आ सकता है। इसीलिए सेम ऑक्यूपेंसी रही एंड 12 से लेकर 12.5 करोड़ डेफिनेटली होगा। तेलुगु वर्जन, हैदराबाद 39 शोज है ऑक्यूपेंसी 8%, लुक एट बैंगलोर 5 शोज ऑक्यूपेंसी 3%, विजयवाड़ा की बात करो 28 शोज में यहाँ पे ऑक्यूपेंसी 6%, वरंगल 5 शोज में 3%, गुंडूर जिला लो हमारा फेवरेट 9 शोज में 18%, वाइजैग में 32 शोज में 7%, महबूब नगर में 4 शो में 6%, काकीनाडा में 7 शो में 22%, तिरुपति की बात करूं तो यहाँ पे 4 शो में 9%, यानी कि अच्छा खासा कुछ लाखों में जो है वो कमाई यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। बात करो गाइस यहाँ पे तमिल शोज की, तमिल शोज यहाँ पे चेन्नई में 33 शोज है 20% ऑक्यूपेंसी, मदुराई में 17 शोज है तमिल के 8%, कोयम्बतूर में 14 शोज में 9%, पौंडीचेरी में 3 शोज में 8%, त्रिची अ वेरी हॉट सेंटर फॉर मूवीज 2 शोज थे 12% की ऑक्यूपेंसी थी। शो चालू हो गए कैसे भी, ऐसा लग रहा है शमशेरा कहीं ना कहीं 12 से 12.5 करोड़ सारे भाषाओं में मिलकर नेट कलेक्शन जो है वो करते हुए दिखा रहा है। ओके गाइस, सो लेट्स सी शमशेरा कहाँ लैंड होती है सैटरडे, अगर इस फिल्म को चलना है तो आज फ्राइडे 12 आया तो सैटरडे 16-17 आना चाहिए, संडे 20 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए, तब जाकर ये थोड़ा बहुत बॉक्स ऑफिस पे जागृत या फिर जिंदा रह सकता है, वरना मंडे से पूरा जब्त करके जाएगा पिक्चर।
आई होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है तो वक्त ही बताएगा. ओके, मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.